नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी हां दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट यहां सबसे पहले देखने को मिलती है। तो जी हां साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर कि भर्तियों पर बड़ा संकट। बिल्कुल सही देख पा रहे हैं कि अब रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सभी भर्तियों को लेकर ये बड़ी अपडेट निकल कर आई कि भर्तियों को लेकर बड़ा संकट क्या है। ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे, बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक देखें ताकि आपको ये भर्तियों को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल कर आई उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही भर्तियों से जुड़ी अपडेट सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्या पूरी अपडेट। और जी हां साथियों, देखिए नई भर्तियों में कई अभ्यर्थी जो है बाहर होंगे और एक दिन के कारण 2 लाख सामने ओवरएज होने का संकट। और कोरोना काल में भर्तियाँ नहीं निकाली गई तो राज्य सरकार ने इसमें अवधि ओवरेज होने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 साल की छूट दी थी, लेकिन अब भर्तियों में एक दिन की गफलत की जा रही है और इससे 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को सामने है जो नुकसान दिखाई दे रहा है। और जी हां साथियों, बता दें कि ये संकट है जो वर्तमान में चल रही सभी भर्तियों के लिए है। और दरअसल कोरोना में निकाले गए आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक जो आयु सीमा में था उसको 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा में समझा गया। और वर्तमान में निकाली जा रही भर्तियों में आयु की गणना है जो जनवरी 2025 के आधार पर की जा रही है। और ऐसे में कई अभ्यर्थी एक दिन के चक्कर में ओवर एज हो रहे हैं। और अभ्यर्थी का राकेश गढ़वाल का कहना कि इस एक दिन के कारण भर्ती से बाहर हो गए कई भर्तियों तो ऐसी है कि जो कई सालों बाद निकली है फिर भी वो शामिल नहीं हो पा रहे। और प्रक्रिया दिन भर्तियों में कोरोना काल में दी गई आयु सीमा में छूट को 31 दिसंबर 2024 की बजाय 1 जनवरी 2025 तक की जाए और इस दिन की राहत से वे सभी सरकारी नौकरी पाने की दौड़ में शामिल हो सकेंगे। जी साथियों, ये बड़ी अपडेट है। तो जानकारी अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।